स्टूडेंट्स टूडे आवर सब्जेक्ट इज कंप्यूटर प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉपी फाइल और फोल्डर्स मूविंग फाइल और फोल्डर्स रिस्टोरिंग डिलीट फाइल और फोल्डर्स डिलीट फाइल और फोल्डर्स के बारे में स्टडी किया ओके okay? कैसे फाइल को डिलीट करते हैं कैसे उसको रिस्टोर करते हैं कैसे मूव करते हैं कैसे कॉपी करते है फाइल और फोल्डर्स को ओके okay? सो so, आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं चेंजिंग द व्यू ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स ओके सो नाउ वी स्टार्ट विंडोज सेवन प्रोवाइड्स मैनी डिफरेंट वेस टू व्यू फाइल्स और फोल्डर्स इन विंडोज एक्सप्लोरर देयरस वेज चेंज द प्रीव्यू ऑफ ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द चेंज योर व्यू बटन इन द टूल टाइप ऑफ व्यू तो आपको फाइल और फोल्डर का व्यू चेंज करने के लिए उसका प्रेंज करने को क्या करना है क्लिक करना है टूल बार बटन में आपको क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो देंज योर व्यू बटन इन द टूल बार एंड चूज द टाइप ऑफ व्यूज टूल बार में आपको चूज ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करेंगे आप तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ठीक है आपके मनपसंद का आप व्यू चूज कर सकते हैं ओके तो यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में किस तरीके से उन्होंने किया है ओके इस तरीके से आप अपना डिफरेंट व्यूज फाइव फोल्डर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू यहाँ पे दिखाई गया है ना ये न्यू वाला ओके तो न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओके फिर यहाँ पे देखो ये लिस्ट ओपन हुई है उसपे क्लिक करने से जो लिस्ट ओपन हुई है ना तो उस उसमें आप अपने मनपसंद व्यू कर सकते हो ओके ये देखो एक्स्ट्रा लार्ज आइकन व्यूज ओके फिर नीचे है लिस्ट व्यू इसकी व्यू देखो लिस्ट दिखाई दे रही है आपको तो इस तरीके से आप अपने फाइल और फोल्डर का व्यू प्रीव्यू क्या चेंज कर सकते हैं ओके okay? अब नेक्स्ट है ग्रुपिंग फाइल्स और फोल्डर्स ग्रुपिंग अरेंजेस द फाइल्स एंड फोल्डर्स इनटू डिफरेंट सेक्शंस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ग्रुपिंग वी नीड द टाइप्स ऑफ सॉरी द स्टेप्स टू ग्रुप फाइल्स एंड फोल्डर्स आर गिवन बिलो अभी क्या है ग्रुप ग्रुपिंग अरेंज द फाइल्स एंड फोल्डर्स डिफरेंट सेक्शन अभी जो ग्रुपिंग और फाइल्स और फोल्डर्स है उनको डिफरेंट सेक्शन में डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग वी नीड हमको जिस कौन से टाइप का ग्रुप चाहिए उस हिसाब से हमको सेक्शन में डिवाइड करना है तो उसको हम कैसे करेंगे तो इस यहाँ पे जो स्टेप्स दिए गए उसको फॉलो करके हम अपने ग्रुप्स को अलग अपनी फाइल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते ओके सेक्शनिंग कर सकते हैं सो so, राइट क्लिक ऑन द एम टी एरिया एम टी एरिया में आपको क्या करना है राइट right क्लिक करना है ओके देन नेक्स्ट क्लिक ऑन ग्रुप बाय ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू, आपको क्या करना है क्लिक करना है ऑन ग्रुप बाय ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू ओके देन नेक्स्ट चूज फ्रॉम द ग्रुप बाय ऑप्शंस देर आर फोर ग्रुप्स बाय ऑप्शन नेम डेट मॉडिफाइड टाइप एंड साइज क्या होगा आपका कितने ऑप्शन हो गए आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे ठीक है फिर आपको उसमें डिवाइड करना है नाम में नाम के हिसाब से डिवाइड करना है डेट के हिसाब डिवाइड करना है टाइप और, और साइज के हिसाब से ठीक है मॉडिफ आपको टाइप एंड साइज के हिसाब से इस तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे आपको उस हिसाब से उसको डिवाइड करना ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूपिंग फाइल एंड फोल्डर्स ओके फिर इसको किस तरीके से डिवाइड किया यहाँ पे बाजू में भी आपको दिखाया गया है तो इस हिसाब से आपको आप अपने आ, फाइल्स को सेक्शन कर सकते हैं नाम के हिसाब से डेट वाइज टाइप एंड साइज ओके इस हिसाब से आप अपने फाइल्स और फोल्डर्स को क्या सेक्शनिंग कर सकते हैं ग्रुपिंग में डिवाइड कर सकते जिससे आपको ढूंढने में भी आसानी रहेगी ओके सो चैप्टर नंबर थर्ड यहाँ पे एंड होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट करेंगे ओके एडिटिंग इन एम एस 2010 टू थाउजेंड टेन ओके स्टूडेंट्स